नमस्कार दोस्तों, मैं निखत बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। खराब लाइफस्टाइल अनहेल्दी डाइट की वजह से लोगों के पेट में गैस बनने की समस्या आम हो गई है। पेट में गैस की समस्या बुजुर्गों, युवाओं के साथ ही बच्चों में भी देखने को मिल रही है। अगर आपको भी पेट में गैस बनती है तो कुछ गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थ का सेवन करने से हमें बचना होगा। कई ऐसी सब्जियां, दाल और फल है जो पेट में गैस बनाने का कारण बनती हैं। कटहल, अरबी, सफेद छोले और बीन्स जैसे खाद्य पदार्थ गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थों में शामिल हैं। क्या काबुली चना गैस का कारण बनता है? राजमा की तरह ही सफेद छोले भी पेट में गैस का कारण बन सकता है। जिन लोगों को पहले से ही कब्ज, गैस की समस्या है, उन्हें छोले नहीं खाने चाहिए। साथ ही जिनका पाचन तंत्र भी धीमा है, उन लोगों को भी छोले खाने से बचना चाहिए। अगर आप कभी एक ही बार में ढेर सारे चना खाते हैं तो शायद इस एहसास को पहले अनुभव किया होगा। एक बार भूनने पर कई खाद्य पदार्थ अधिक गैस पैदा करने वाले हो जाते हैं, इसलिए सूखी फलियां जैसे राजमा, सफेद चना, लोबिया, सफेद मटर, सूखे हरे मटर, भुने हुए काले चने, भुने हुए कॉर्न और पॉपकॉर्न से परहेज करें। पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली और आलू का अधिक मात्रा में सेवन करने से गैस बनती है। छोले में अत्यधिक केंद्रित होता है, इसलिए इसका बहुत कुछ हमारे सिस्टम से गुजरना पड़ता है, जिससे सूजन या बेचैनी के लंबे और अधिक गंभीर लक्षण होते हैं। क्या छोले अन्य बीन्स की तुलना में अधिक गैस का कारण बनते हैं? सभी प्रकार की दालें गैस को समान रूप से नहीं बढ़ाती हैं। यदि एक बीन आपको परेशान करती है तो यह देखने के लिए एक अलग बीन का प्रयास करें कि क्या ये कम गैस का कारण है। उदाहरण के लिए मसूर, ब्लैक ऑयड मटर दालों की तुलना में गैस बनाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स में कम होते हैं। छोले और बीन्स में अंतर होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।